नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। मिथिला मध्यमा परिक्रमाक टोली महोतरी के कंचन वन पहुंचल। मंत्री भट्टराय प्रदेशक मंत्री भक्तजन आ साधु संत सब संगे होली खेल। प्रधानमंत्री ओली के किडनी दोसर बेर प्रत्यारोपण के तैयारी। बुध दिन प्रत्यारोपण कल जाए। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड पर जूता प्रहार के प्रयास। जूता प्रहार करे वाला पकड़ल। नेपालक लेल नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनय मोहन कवात्रा काठमांडू एलन। आ कोरोना वायरस से मृतक के संख्या करीब 3000 पहुंचल। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में सेहो एक एक गोटे के मृत्यु। आप समाचार विस्तार से। धनसा में बिजली के पोल में पिचा के एक बालक के मृत्यु भेल। धनसा के धनसा धाम नगर पालिका वार्ड नंबर 3 रहनिहार विनोद गरेड़ी के बेटा अंदाजी बरखक 10 के आशीष गरेड़ी के बिजली के पोल में पिचा के मृत्यु भेल। स्थानीय धनुष आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत बालक आशीष रवि दिन विद्यालय छुट्टी भेला बाद घर घूर के समीप के जम्मा क के राखल गेल बिजली के पोल में खेल गेला पर पिचायल। इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषा धाम जनौलक। इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषा आ सशस्त्र प्रहरी बल धनुषा धाम घटनास्थल पहुँच के डोजर लग पोल हटौने। स्थानीयवासी विद्युत प्राधिकरण के लापरवाही से मृत्यु भेल कहित आक्रोशित भेल। पंद्रह दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा महोतरी के ऐतिहासिक तथा प्राचीन पवित्र स्थल कंचन वन पहुँचल संगे मिथिलांचल में होली खेल के आ रंग अबीर के माहौल बन लागल। कंचन वन में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सहित प्रदेशक मंत्री स्थानीय तह के प्रमुख सब संगे भक्तजन आ साधु संत लोकन समेत होली खेलल। रिपोर्ट। शिव मठ पर हो, शिव मठ पर हो, शिव मठ पर, शिव मठ पर राम खेले होरी, शिव मठ पर। जी हाँ, कंचन बन के दृश्य है। आ होली के विभिन्न गीत गान में नाच गान कर रहल परिक्रमाक साधु संत आ तीर्थ यात्री लोकन के भव्य सहभागिता। 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा के 15 विभिन्न पड़ाव अर्थात विश्राम स्थल सब मध्य के एक महत्वपूर्ण आ पवित्र स्थल है महोतरी के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कंचन वन। रवि दिन परिक्रमा में सहभागी विभिन्न मंदिर के भगवान राम जानकी के डोला सहितक तीर्थालु लोकन आ साधु संत लोकन कंचन वन में पहुँच कर होली में रंग अबीर खेलने संगे मिथिलांचल में आब रंग अबीर के पावन होली विधिवत रूप में शुरू भ गेल माहौल बन गेल। त्रेता युग में भगवान राम आ सीता कंचन वन में होली खेलने जनविश्वास अनुसार एत भव्य रूप में साधु संत परिक्रमा में सहभागी तीर्थालु लोकन आ मेला में पहुँचा वाला दर्शनालु लोकन समेत एक संग होली खेल के रंग अबीर से धूम मचबे। संघीय सरकारक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराय आ प्रदेशक पर्यटन मंत्री राम नरेश राय सहित कंचन वन परवला महोतरी भंगानगर पालिकाक मेयर संजीव कुमार शाह संपूर्ण साधु संत आ तीर्थालु सब संगे मिल कर भव्य होली में रंग अबीर समेत ए वर्ष खेलने छथि। साधु संत लोकन संग संगे तीर्थालु दर्शनालु समेत एत विभिन्न होली के गीत गान में मनोरंजन करित रंग अबीर खेले छथि आ भगवान श्री सीताराम के याद करे छथि। सहभागी लोकन रंग अबीर किन कर भगवान राम जानकी के समेत चढ़वे छथि। संघीय मंत्री भट्टराय भगवान राम सीता होली खेलने एहन पवित्र भूमि कंचन वन में आबि कर स्वयं पहिल बेर साधु संत आ तीर्थालु लोकन संगे होली खेल के सौभाग्य प्राप्त भेल कहित खुशी व्यक्त कलन। लाखौँ भक्तजनहरू सहभागी हुनुहुन्छ।
सकुशल यो 15 दिनको कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ मैले लिएको छु एकदमै महत्त्वपूर्ण दिन हो भक्तपालसँग पहिलो पटक यो कञ्चन भवनमा होली खेल्न आइपुगेको छु मलाई खुसी लागेको छ जुन ठाउँबाट हामी सबैका आस्थाका प्रति श्रीरामजी र सीताजीले एक ठाउँबाट होली खेल्नुभयो आज तपाईँहरूसँग होली खेल्न पाउँदा मलाई पनि अत्यन्तै खुसी लागेको छ मन्त्री भट्टराई नेपाल भारत के कक लाखौं तीर्थालु आबवला कञ्चन वनके पर्यटकीय गन्तव्यके रूपमे चर्चामे लाव आ प्रचार प्रसार गर सरकार पहल कदमी लेबाक बताउने छलैन विकास समिति छ नेपाल सरकारको त्यस्तै जनकपुरमा जानकी माताको मन्दिर छ उता राजभयालमा छिन्नमस्ता छ यता सिमरुङ्गर छ यस्ता विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्रहरू छन् कञ्चन वन छ सलेर क्षेत्र छ अनेक खालका धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्रहरू प्रदेश नम्बर दुईमा छन् यसलाई एक आपसमा जोड्ने र एउटा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने काममा नेपाल सरकारको सम्पूर्ण ध्यान जानेछ म यहाँलाई त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु सँगै रहल प्रदेशक पर्यटन मन्त्री समेत रहल राम नरेश राई संघीय सरकार प्रति असन्तुष्टि व्यक्त कयलनि संघीय सरकार भ्रमण वर्ष 2020 20 लाख पर्यटक नेपाल लाबके लक्ष्य रखने रहितो प्रत्येक वर्ष महोत्तरी के कञ्चनवन में मात्र करीब 5 लाख पर्यटक आबि रहल कहित प्रदेश के एहन धार्मिक स्थल सब आ धरोहर सब राज्य के एखनो प्राथमिकता में परनि सकल आ राज्य बेखबर रहल प्रति उपराग व्यक्त कयलनि हम अपने के दिखावे चाहे अपने के खाना का संग आवे चाहे जे प्रदेश नंबर 2 जे संघीय सरकार के द्वारा जे 8 जिला के जे प्रदेश नंबर 2 जे बनाए रहे वही प्रदेश नंबर 2 में अपने के यही एक वाला जगह कंचन बने है अपने अंदाज कर अपने रास्ता से लिया लेकिन अभी पूरा पूरा के नजारा ना कर सकी अपने हजामर कञ्चन वन में आयोजित समारोह के संबोधन के ने भंगहा नगर पालिका के प्रमुख संजीव कुमार शाह सहित साधु संत लोकन लाखों पर्यटक आ तीर्थयात्री सब आबवला एहन धार्मिक ऐतिहासिक धरोहर एखन धरि सरकार के प्राथमिकता में पड़ सकनाय दुखद बात रहल धारणा रखने छलन ओ सब 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा राज्य के प्राथमिकता में पड़वाक चाही आई से पर्यटन के विकास होबाक धारणा रखलन सदैवदेखि यो 15 दिने परिक्रमामा लाखौँ लाख पर्यटकहरू आउँछ तर भनाइमा र गराइमा फरक छ यहाँ त्यत्रो पर्यटक आउँदा पनि यसलाई समुचित कुनै तर्फबाट बन्दोबस्त छैन जस्तै कि न सङ्घ सरकारबाट न प्रदेश सरकारबाट आजसम्म यो कञ्चन वन जस्तो पवित्र भूमिमा होली जहाँ महोत्सव मनाइन्छ न त्यहाँ आजसम्म एउटा न सङ्घ सरकार न प्रदेश सरकारको जहाँ एउटा शौचालय समेत उपलब्ध छैन न एउटा खानेपानीको व्यवस्था छ न औषधिहरू न शिविरहरू केही पनि व्यवस्था छैन सबभन्दा पहिले 2020 मनाइराख्नु भएको छ 20 वर्ष पर्यटक भित्राउने कुरा गर्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी त जहाँ अलरेडी 5 लाखभन्दा कम्ती मान्छे यो कञ्चन वनमा आउँदैन त्योभन्दा बढी आउँछ त्यसको लागि आजसम्म त एक सुटा केही गरेको छैन यो परिक्रमाको लागि र यो कञ्चनवनको लागि जब भारतका धेरै यस्ता ठाउँ छन् त्यहाँका मान्छेहरू जब जनकपुर आउँछन् त हेर्न त आउँछन् कञ्चनवन कि कञ्चनवन एकचोटि जाउँ जस्तो त लाग्छ तर कञ्चनवनमा त्यस्तो केही व्यवस्था नभएर होला अहिलेसम्म त कञ्चनवन अव्यवस्थित छ ओहि अवसरमे हेलिकप्टरसँग कञ्चन वन उपर पुष्प वर्षा समेत कराओल गेल छल होली मिलन समारोह भव्य रूपमे सञ्चालन भऽ रहल समय हेलिकप्टरसँग पुष्प वर्षा कराओल गेल छल कञ्चन वनमे बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषद प्रत्येक वर्ष होली महोत्सव कार्यक्रम करैत आबि रहल अछि परिषदक अध्यक्ष शालिग्राम सिंह समेत परिक्रमाके प्राथमिकतामे राख संघीय आ प्रदेश तेना स्थानीय तीनू सरकारके
आग्रह कयलनि अछि। राम जी के समय के त्रेता युग में जे जब राम जी और सीता जी भेलथिन त यहाँ पहले आकर सीता जी और राम जी होली खेलथिन और हरेक साल 73 जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के तरफ से या ई मंच बनाएल गेल होय या कोनो कार्यक्रम होय छै 73 जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद करी छै जे नेपाल सरकार के एक अंग छै और प्रदेश सरकार भी अभी 73 जनकपुर के साथ साथ उनका सहयोग करी छै। कंचन वन में मंत्री सब आबि कऽ पुष्प वर्षा कराओल गेल आ साधु संत ना तीर्थालु आ दर्शनालु सब संगे मिल कऽ फूल छीट कऽ सब गोटे के स्वागत कयने आ रंग अबीर मिल कऽ होली खेलने दृश्य सब देख कऽ तीर्थालु खुशी होबय के साथे परिक्रमा के यात्री सब के लेल आब किछु सुधार होयबाक अपेक्षा कयने छथि। मिथिला बिहारी आ किशोरी जी के डोला के अगुवाई में कंचन वन पहुँचल परिक्रमा आब सोम दिन धनसा के पर्वता तेकरा बाद धनसा धाम सतोखर और ही आ फिर से भारतक बिशौल तथा कलानेश्वर होइत जनकपुर धाम आबिक जनकपुर धाम नगर के अंतर्गृह परिक्रमा करैत समापन हैत। तेकरा प्रात भेने मिथिलांचल आ मधेश में होली मनाओल जायत। आशा करी मिथिला मध्यमा परिक्रमा सहित अ परिक्रमा में पड़े वाला विभिन्न परावस्थल सब में रहल धार्मिक धरोहर सबके संघीय प्रदेश आ स्थानीय तीनों सरकार मिलकर संरक्षण संवर्धन करो प्रचार प्रसार करो आ प्रदेश नंबर 2 के विकास पर्यटकीय रूप से अगाड़ी बढ़ो। अपन टेलीविजन के लिए कैमरा में संजय शाह के साथ में पूरन शाह जनकपुर धाम। 15 दिवसीय मिथिला मध्यमा परिक्रमा महोत्तरी के ऐतिहासिक तथा प्राचीन कंचन वन में पहुंचल संगे मिथिलांचल में होली खेल के काज शुरू कयल गेल अछि। त्रेता युग में भगवान राम आ सीता कंचन वन में होली खेलने जनविश्वास अनुसार ओत भव्य रूप में रंग अबीर सहित होली खेलल जात अछि। परिक्रमा में सहभागी लोकन सबसे हम सब पूछने छलौ कंचन वन के महत्व की छै अहाँ के बाद जहना तहना। यहाँ होली जना जना अपने के कृष्णा और राधा बरसाने में होली खेलल कै ताही प्रकार से त्रेता युग में राम और जानकी जनकपुर में होली नहीं खेल कै कंचन वन में होली खेलल है अन्हार वन में वही लागी ई अध्यात्म दृष्टिकोण से हमर सब के और है मिथिला के कंचन वन में 15 दिन के परिक्रमा आबै छै डोला तो ये कंचनिया माई छथिन तो ये सब कंचन वन से होली शुरू भ जाइ छै राम जी किशोरी जी होली खेलै छथिन पुर से जब परिक्रमा उठल न कंचन वन में आके किशोरी जी श्री रामचंद्र जी होली खेलने छथिन ऐसे एक इतना महत्वपूर्ण जगह मानल गेल माने अभी परंपरा के हिसाब से हर साल कंचन वन में डोला रख के आ होली के अथी करी सगरो भगवान जत जत घूरल बसा दिल्क जैठमन जे देवता के पूजा कल जे लीला कल्क वही आधार से लोग जे से कह रहा 20 लाख पर्यटन बाहरी से प्रवेश कराबे के नेपाल में लक्ष्य है जब कंचन वन में बाहर से लगभग 4-5 लाख आदमी आबे और बहुत भीड़ एहि बेर कंचन वन में पर्यटन मंत्री भी आयल छल काठमांडू से और बहुत धूमधाम बहुत भीड़ भाड़ के साथ एत मनायल गेल मध्यमिक परिक्रमा जे भेल रहे ओहि समय में सब आके यहाँ यहीं से होली स्टार्ट खेलखिन एक उत्सव स्टार्ट भेले खुशी के उत्सव जे हमरा सबके निर्मल मन होय तो निर्मल मन खाली भीतरीय नहीं बाहरों में दिखाई देवे ते हिसाब से हम सब बाहर में भी रंगीन छी उ रंगीन देखावे खातिर विभिन्न रंग के अबीर विभिन्न रंग के रंग से हम सब रंग के होली खेली तिहन माने एक सोच बनल आ उ सोच जे है अभी तक ले कायम है। मिथिला मध्यमा परिक्रमा के लक्षित करैत जनकपुर धाम में परिक्रमा सड़क सर सफाई कार्यक्रम आयोजना होबय जा रहल अछि। जनकपुर धाम स्थित युवा विकास समाज के अगुवा में 73 जनकपुर धाम अंतर्गृह परिक्रमा मार्ग के सर सफाई करबाक तैयारी कयल जा रहल अछि। समाज के अध्यक्ष विष्णु शर्मा विज्ञप्ति निकालि कर जानकारी करौलक अछि। अगिलका फागुन 20-25 गते धरि जनकपुर धाम के अंतर्गृह परिक्रमा सड़क के सर सफाई कयल जायत। 20 गते पहल दिन जनकपुर धाम वार्ड नंबर 7 मछली बाजार समीप रहल तपसी चौक से ज्ञानकूप धरि सर सफाई कयल जायत। तहिना तेकर बाद के प्रत्येक दिन क्रमशः ज्ञानकूप से पिरारी चौक पिरारी चौक से मिलसरिया मिलसरिया से कदम चौक कदम चौक से मुरली चौक आ फिर से मुरली चौक से
छठम दिन मुरली चौक से तपसी चौक धरि सरसफाई कल जाए। युवा सभा सुझाव आ विचार अनुसार समाज के स्थापना भेल संस्थापक रवि कुमार शाह जानकारी करने सफाई कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सीडीओ विभिन्न सुरक्षा निकाय के प्रमुख लोकन आ युवा सब के सहभागिता रहबाक विज्ञप्ति द्वारा जनाओल गेल अछि। अपना सबके विस्थापित कर चाहि रहल कहि धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका का स्थानीय वासी सब आंदोलन में उतरल अछि। गणेशमान चारनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 4 वीरेंद्र बाजार के दक्षिणी टोल में रहित आयल स्थानीय वासी सब आंदोलन में उतरल छथि। वर्षों से घर बनाकर रहित आयल जमीन अपन रहल कहित एक व्यक्ति दावी केला बाद वही टोल के स्थानीय वासी सब रवि दिन जनकपुर धाम में प्रदर्शन केलक अछि। करीब एक बीघा के जमीन में 20 घर परिवार करीब 40 वर्ष से बेसी से भोग चलन करते आब रहा दावी करते हैं। मुदा दू तीन वर्ष पहले मात्र जनकपुर धाम पौडेसर के लट्टू कहे वाला नरेश यादव इ जमीन अपन रहल कहित दावी केने छल। तत्पश्चात इ जमीन अपना सबक नाम में नाम सारी कर बेर बेर कहलो पर यादव नहीं मान कर जमीन खाली करे के लिए धाक धमकी देवे लागल। स्थानीय वासी सबक उपरा गए हमरा सबके जन्म धरती हमरा 35 वर्ष भ गेल हमर बाप दादा सब रहे जमीन लेने केना का दोसर आदमी रसोई करा ले लगे आई हमरा सबके कहे खाली कर वही जो नहीं देव दोसर ठाव जो घर तोड़ कर अब सब समस्या के लगा हम सब सीडियो करा ले आयल छी। कते घर से हमरा सबके 20 घर है। लगभग लगभग कते जमीन है? लगभग 1 बीघा जमीन छे। हम सब अभी 5 महीना से दौड़ रहा छी हमरा सबके कोनो प्रक्रिया नहीं आ रहा हम सब बहुत परेशान भ गेल छी। पुरान बस्ती तो हमरा सबके हटा दिए हमरा सबके अहाँ रह देव तो रह दू हटा देव तो हटा दू हम अहाँ सबसे निर्णय हमरा सबके कह दू। स्थानीय वासी अपना सबक पुरखा 160 रुपया में जमीन खरीद के दावे करते एखन आब के जमीन खाली कराबे चाहल गेल पर उपराग व्यक्त कल भाग भाग हमर जमीन है से कह के हमारा के बाबा दादा मतलब वह पाली में किन 160 रुपया में जमीन यानी 40-45 वर्ष भ गए तब हमारा वह न्याय पाओ हमारा के मतलब अली कह। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी के जिला प्रशासन कार्यालय में भेंटघाट कला के बाद प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के समेत वो सब भेंटघाट केने छथि। जवाब में मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जतेक सहयोग कर सकबाक सहयोग करबाक धारणा रखने छलनि। मुख्यमंत्री राउत के समेत वो सब अपन अपन दुखरा सुनने छलनि। वो सब अपना सबके न्याय दिया देव कहित धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी आ प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत समक्ष अनुरोध पत्र समेत पुछौलक अछि। महतरी गौशाला स्थित निगौल गाय गौशाला के जमीन में बनल घर झोपड़ी तोड़क काज शुरू भेल अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री पद्मा अरियाल के नेतृत्व में निगौल गाय गौशाला के जमीन कब्जा कर बनाल गेल 30 घर झोपड़ी सब रवि दिन से तोड़क शुरू कयल गेल अछि। मंत्री अरियाल कब्जा भेल सार्वजनिक जमीन फिरता करबाक सरकार के नीति अनुसार घर झोपड़ी तोड़ लागल जानकारी देलनि। 30 घर में से 3 घर मात्र सुकुम्बासी देखल गेल आ दोसर सुकुम्बासी के नाम में हुकुम्बासी सब जमीन कब्जा केने हुनक दावी अछि। सार्वजनिक तथा गुठी के अतिक्रमित जमीन खाली करबाक अभियान काठमांडू सहित पहिने ही शुरू भेल आ प्रदेश 2 में गौशाला से शुरू कयल गेल। मंत्री अरियाल बतलनि मंत्री अरियाल आ झोपड़ी तोड़बाक काज के नेतृत्व कर ओ हेलीकॉप्टर से गौशाला पहुँचल छलनि। शनि दिन साँझ में घर झोपड़ी हटाब अंतिम अल्टीमेटम देल गेल छल। सूचना के टेढ़ी केला पर कोनो समय में संरचना खाली करबाक ऐसे पहिने 35 दिन के समय अवधि फागुन 12 में समाप्त भ चुकल अछि। सप्तरी के राजविराज जोड़वला सड़क सब मरम्मत संभार के मांग करैत जनप्रतिनिधि तथा नेता सब सरकार के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। रवि दिन सप्तरी के जनप्रतिनिधि तथा नेता सब राजविराज जोड़वला आधा दर्जन सड़क खंड वर्षों से जीर्ण भेल पर मरम्मत संभार से संबंधित निकाय कोनो चाख नहीं देखौने कहित प्रमुख जिलाधिकारी सुनील खनाल के ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सप्तरी क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सांसद चंद्रकांत चौधरी सहितक टोली जीर्ण सड़क मरम्मत काज अविलंब नहीं शुरू कला पर धरना में बैसबाक चेतावनी सेहो देने अछि। ओ सब राजविराज हनुमान नगर राजविराज छिन्नमस्ता राजविराज कुनौली पातू कठौना शंभुनाथ बनेनिया लगायत के सड़क खंड मरम्मत के मांग कलने अछि। पातू कठौना आ शंभुनाथ बनेनिया सड़क खंड के टेंडर प्रक्रिया पूरा भक ठेक्का लागल 2 वर्ष बीतल पर निर्माण काज शुरू होब नहीं सकल अछि। ओहि क्रम में राजपा के केंद्रीय सदस्य दिनेश यादव अविलंब मरम्मत काज शुरू नहीं कयल गेला पर आंदोलन करबाक चेतावनी देने छलनि। चौधरी संगे विशेश्वर रजक अमरनाथ मंडल लगायत प्रशासन कार्यालय पहुँचल छलनि। एम्हर प्रमुख जिलाधिकारी खनाल अपना ई विषय में गंभीरतापूर्वक लेने आ 2-3 दिन भीतरे सरोकार वाला के राखि समस्या समाधान के प्रयास करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयने छलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के किडनी प्रत्यारोपण बुध दिन होयत।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक रेबदिन बैसल सचिवालय विषादमे पार्टी अध्यक्ष होरल प्रधानमन्त्री ओली यी जानकारी गराउने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बताउने छ। प्रधानमन्त्री ओली किडनी प्रत्यारोपणके लेल सोमदिन महाराजगंज स्थित त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमे भर्ना हेबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि। प्रधानमन्त्री ओलीके किडनी प्रत्यारोपण होबय लगला बाद सचिवालय विषाद आओर कोनो विषय उपर परामर्श नै भेल बतौलनि। ओ प्रधानमन्त्री ओलीके किडनीके सफल प्रत्यारोपण आ स्वास्थ्य लाभके लेल सचिवालय विषाद कामना केने सेहो बतौलनि छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड उपर राष्ट्रीय सभा गृह में जूता प्रहार के प्रयास भेल छ। यद्यपि उनका जूता नै लागल छ। नेकपा नेता स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारी के प्रथम स्मृति सभा में संबोधन कर सीट में घुरबा क्रम में दर्शक दीर्घा से उनका निशाना बनाकर जूता फेंकल गेल छ, मुदा जूता मंच धरि नै पहुँचल आ प्रचंड के छुअ नै सकलक। जूता प्रहार करे वाला जुमला के नेता कार्यकर्ता 22 वर्षक रतन तिरुवा के पुलिस नियंत्रण में लेने छे। वो पूर्व माओवादी लड़ाकू के बेटा छे। पूर्व माओवादी कार्यकर्ता में रहल तिरुवा के बाबू मून तिरुवा माओवादी जनयुद्ध काल में मारल गेल छल। बड़ संघर्ष के विषय में प्रचंड कैल गेल भाषण पर असंतुष्टि जनबैत आक्रोश में जूता फेंकने पकड़ायल तिरुवा प्रहरी समक्ष अपन बयान दिलक। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड विश्व के पूंजीपति सब जनता के कम्युनिस्ट से अलग करबाक प्रयास में लागल बतौलने। भरत मोहन अधिकारी के स्मृति सभा में संबोधन करित दहाल अपना उदारवादी देखा कर मध्यम वर्गीय आ निम्न मध्यम वर्गीय जनता के कम्युनिस्ट से अलग करबाक रणनीति संग पूंजीपति सब आगा बढ़ रहा हुनक कहब छलन। थर्ड वर्ल्ड तेस्रो विश्व का देश हम ये अनुदान ये सहयोग जे भन्नी एउटा स्ट्रेटेजी तेस भित्र के मध्यम वर्ग का जनता आकर्षित करने तथाकथित विकास में सहयोग नाम में मध्यम वर्ग बाट कम्युनिस्टर वामपंथी प्रगतिशील अलग ल्याउने र त्यहाँ आफ्नो वर्चस्व आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने एउटा ग्लोबल स्ट्रेटेजी। दहाल स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलन के लोकतान्त्रिक बनाव भारी भूमिका निर्वाह कयने बतौलन। स्वर्गीय अधिकारी के एक निर्णय से जनता सब कम्युनिस्ट प्रति विश्वास करैत आयल दहाल के कहब छलन। बहस छलफललाई हेर्यो र गहिरो गरी हेर्यो भने अन्तर्यमा नेपालमा कम्युनिस्टहरु के को लागि च्याम्पियन भएका छन् भन्ने देखिएकै छ। उनीहरूले लोअर क्लास र मिडिल क्लास लाई विन ओभर गर्न कम्युनिस्टहरू सफल भएका छन्। पूर्व प्रधान तथा अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारी के 2075 फागुन 18 गते इलाजकै क्रममे ह्याम्स अस्पतालमे निधन भेल छ। 2051 सालमे तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारमा अर्थमन्त्री रहल स्वर्गीय अधिकारी ओही समय 75 वर्ष उमेर पहुँचल सबके मासिक 100 रुपियाँ वृद्ध भत्ता देबाक निर्णय कयने छल। समाजवादी पार्टी धनसाक लक्ष्मीनियामे पार्टी कार्यालय स्थापना कयल गेल छ। समाजवादी पार्टी के संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण अर्थात विशु अभियान अन्तर्गत रवि दिन धनसाक क्षेत्र नम्बर 4 के लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामे कार्यालय स्थापना कयल गेल छ। कार्यक्रम में नेता तथा प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव, महाजन यादव, शेष नारायण यादव, लाल बाबू यादव, उमेश शाह, विष्णुदेव शाह लगायत के नेता तथा कार्यकर्ता सबके सहभागिता छलन। सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका में अनौपचारिक साक्षरता अभियान संबंधी अभिमुखीकरण कयल गेल। नगरपालिका के शिक्षा शाखा के ने औपचारिक साक्षरता अभियान 2076 अभिमुखीकरण गोष्ठी कार्यक्रम आई सम्पन्न भेल। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सक्षम नागरिक के समतामूलक समाज आ समुन्नत सामाजिक विकास करबाक लक्ष्य संग अभिमुखीकरण कयल गेल बताल गेल। विद्यालय शिक्षा पूरा नै कऽ कऽ बीचे में छोड़ने सबके लिए अनौपचारिक प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के ने मिर्चिया नगरपालिका के मेयर सरवन यादव बतौलन। कार्यक्रम में उपमेयर जीवछी देवी शाह, मिर्चिया नगर पालिका शिक्षा शाखा संयोजक डम्बर ध्वज अंग जोवे, विशिष्ट अतिथि मिर्चिया नगर पालिका के प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद पौड़ शिक्षक सबके सहभागिता छलन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। नेपालक लेल नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनय मोहन कवात्रा काठमांडू अयलन। कोरोना भाइरस मृतक के संख्या करीब 3000 पहुंचल। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में सेहो एक एक गोटे के मृत्यु।
आ थाईलैंड में जारी एसीसी ईस्टर्न रीजन टी20 कप क्रिकेट के दोसर खेल में सेहो नेपाल पराजित। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस प्रकरण में पूर्व संचार मंत्री राजीनामा देल एक सप्ताह बीतलो पर अनुसंधान शुरू होबय नहि सकल गंभीर विषय भेल बतौलने छ। प्रतिनिधि सभा बैसार में समय लक देउवा पूर्व संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बासकोटा राजीनामा देल एक सप्ताह बीत गेल रहलो पर अनुसंधान शुरू नहीं भेनाई के पाछा गंभीर नियत नुकायल बतौलने। अनुसंधान शुरू नहीं हुई तो प्रधानमंत्री ऑडियो नकली रहल अभिव्यक्ति दिला बाद अनुसंधान प्रभावित हैत अथवा नहीं हैत वो प्रश्न से होकर रहने। मंत्रीले 70 करोड़ कमिशन मागेको अडियो सार्वजनिक भएको एक हप्ता पुगिसदा पनि गम्भीर छानबिन शुरू नहुनुको पछाडि के नियत? सभापति देउवा सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस प्रकरण के अनियमितता से ध्यान दोसर दिस मोड़ सरकार नेपाल ट्रस्ट के श्वेत पत्र अनने आरोप से लगौलने। ओ नेपाल ट्रस्ट के श्वेत पत्र में लिखल जका अपना प्रधानमंत्री भेल समय में कोनो निर्णय नहीं भेल स्पष्ट कलने। राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण अपन नाव जोड़ल गेल कहतो श्वेत पत्र प्रति आपत्ति जनौने। ट्रस्ट को श्वेत पत्र सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस खरीद संबंधी 70 करोड़ कमीशन मागे सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में कर से जनता के भार बढ़त कहे तत्काल कर हटाबा आग्रह कलन। सभापति देउवा कोरोना वायरस विश्व के 50 से बेसी देश में पसरल बतबैत आवश्यक पूर्व तैयारी कर सरकार के ध्यान आकर्षण सेहो करौने छलन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सेहो नेपाल कोरोना के उच्च जोखिम में रहला से सरकार पूर्व तैयारी के तीव्रता देल जेबाक चाही हुनक कहब छलनि। विदेश में रहल नेपाली सबके सतर्क रह सेहो ओ आग्रह कलनि। एम्हर बैसार में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित छलथि। समाजवादी पार्टी नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ में लगौने कर फिरता नहीं भेला पर संसद अवरुद्ध करबाक चेतावनी दिलक अछि। प्रतिनिधि सभा बैसार में समय लक समाजवादी पार्टी के सांसद सरिता गिरी सरकार अपन असफलता नुकाब कर के दायरा बढ़ौने कहित फिरता लेबा मांग कलने। संसद के सार्वभौमिकता के उल्लंघन कर गलत रास्ता से मंत्रिपरिषद कर बढ़ेबाक निर्णय कर नहीं सकबाक हेतु पूर्वाधार विकास कर के नाम में पेट्रोल में 100% कर बढ़ेबाक निर्णय के निंदा कलने। पेट्रोलियम पदार्थ में 100% ले पूर्वाधार विकास संरचना में जो कर अभिवृद्धि गरेका छ त्यो चाहिँ संसद को अधिकार को प्रत्यक्ष इन्क्रोचमेंट हो। मलाई के लाग्छ भने आज को दिन संसद का लागि सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय यही हुनु पर्थ्यो किनभने कुनै पनि कर लगाउने अधिकार। तत्कालीन अर्थमंत्री विष्णु पौडेल बुढ़ी गंडकी निर्माण के लिए डीजल पेट्रोल आ हवाई ईंधन में प्रति लीटर 5 रुपया कर लेबाक निर्णय कलो पर एखन सरकार पूर्वाधार विकास कर के नाम में 10 रुपया लेबाक निर्णय करब उचित नहीं भेलो बतौलने। आयल निगम प्रदूषण कर रोड कर के नाम उपभोक्ता से लड़ रहा कहतु सरकार जनता के मूर्ख बनाकर दोबर कर लगौने बतौलने। बीतल फागुन 12 गते बैसल मंत्रिपरिषद बैसार पूर्वाधार विकास कर के दर परिमार्जन करे पेट्रोलियम पदार्थ में और 5 रुपया कर बढ़ेबाक निर्णय कयने छल। सांसद लोकन डायन प्रथा दहेज लगायत के कुरुति एसिड प्रहार लगायत के आपराधिक काज अंत करबाक लेल कानूनी कार्यवाही करैत विशेष अभियान संचालन कर मांग कलक। प्रतिनिधि सभा के दिन के विचार में जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर परामर्श में सांसद लोकन एहन मांग कलने। सांसद बिंदा पांडे डायन प्रथा आ दहेज लगायत के कुरुति आ एसिड प्रहार लगायत के आपराधिक काज में देश में विद्यमान रहल अवस्था में अय के अंत करबाक लेल कानूनी कार्यवाही कर तथा वही विषय में विशेष अभियान संचालन कर आवश्यक रहला से जरूरी सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव दर्ता करौने छलथि। प्रदेश नंबर 2 सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान शुरू कने कहतु और प्रदेश में सेहो एहन कार्यक्रम संचालन भेलो पर ऐसे मात्र बेटी सभा के जीवन रक्षा कर के अवस्था नहीं आवश्यक बाक हुनका सबके कहब छलनि। विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गर्दै महिला श्रम को उचित मूल्यांकन र समानतामा आधारित समृद्ध समाज निर्माण को आंदोलन को सम्मान र सम्झना अनि प्राप्त उपलब्धि को रक्षा र बाँकी समस्या समाधान को लागि थप प्रतिबद्धता का साथ अगाडि बढ्न योजना तय गर्ने दिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मार्च 8 को हामी नजिक छौँ। यस सन्दर्भमा आज बोक्सा बोक्सी दाइजो र तेजाब जस्ता विषयमा सम्मानित सदनमा छलफलको लागि समय व्यवस्थापन गराइदिनु भएकोमा सभामुख महोदय र सम्बद्ध सबै पक्षप्रति प्रस्तावक समर्थक करैत सांसद नवराज सिलवाल कानून निर्माण भेलो पर व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आबन सकल बतौलनि। अपराधी के सजाए दक मात्र राज्य पाछा हट नै मिलबा कहितो पीड़ित के पुनर्स्थापना के जिम्मा सेहो लेल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि।
तहको पाठ्यक्रममा समावेश गरौँ। नवराज सिलवाललाई वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा प्रयोगमा आइरहेका छन्, समाज परिवर्तनमा त्यो कानुनले सहयोग पुर्याएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा पार्लियामेन्टले कुनै न कुनै तवरले त्यो इन्फोर्समेन्टको मेकानिजम के छ त्यसले राज्यले सही रूपमा त्यो कानुन। सांसद थमाया थापा हरेक स्थानीय तहमै सामाजिक शाखा सब स्थापना भेलोपर बाल बालिका आ महिलाका पक्षमा काज गर्न नै सकल आ विद्यमान अवस्थामा एक सुधार गरेत लजेबा आवश्यक रहल धारणा राख्ने छलैन। नेकपाक थाई समिति सदस्य रघुजी पन्त पार्टी भित्रकै अन्तर्विरोधसँग मतदाता सब दुखी भेल बतौलने छ। काठमाडौँमा रवि दिन भेल कार्यक्रममे पन्त सरकार आ पार्टीसँग समृद्धि आ सुशासनके अपेक्षा कर रहल मतदाता सब दुखी भेल धारणा रखलेने छ। ओ प्रधानमन्त्रीके स्वास्थ्य लाभ क के घुरला बाद सब समस्याके समाधान हेबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलने छ। पन्त वामदेव गौतमके राष्ट्रिय सभामे लजेबाक सचिवालयके निर्णय लोकतान्त्रिक नै भेल समेत बतौलनि। निर्वाचनमे पराजित भेला दू वर्ष बादे राष्ट्रिय सभामे लजेबाक बात लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणसँ उपयुक्त नै भेल हुनक कहब छ। जे जस्तो परिदृश्य देखा पर्यो त्यो वास्तवमा दुःखद हो। त्यसले जे जस्तो विवाद अहिले देखा पर्यो त्यसले नेकपालाई भोट हाल्ने मतदाता संविधान संशोधनके बात गलत समयमे गलत एजेन्डाक लेल पार्टी बहसमे अन्य बतौलनि। संविधान संशोधनके बहस आ विवाद बाहर अयलापर एखन पार्टीके एजेन्डासँ हटल हुनक कहब छलनि। नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघ रवि दिन देशभर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कयलक अछि। काठमाडौँ लगायतके विभिन्न कैंपस लगायत देशभर प्रदर्शन कयल गेल। महामंत्री दीपक भट्टराई जानकारी देलनि। ईंधनमे कयल गेल मूल्य वृद्धि फिर्ता कयल जेबाक, विदेशसँ आयात होबयवला पुस्तकमे लगाओल जायवला कर खारिज कयल जेबाक, स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियनके चुनाव सुनिश्चित कयल जेबाक चाही आ राजीनामा देलापर भ्रष्टाचारमे संलग्नके उन्मुक्ति देव नहि हेबाक नेभी संघके माग अछि। किताबमे कर लगाकर सरकार शिक्षाके महगा बनाउने आ सुरक्षण मुद्रण खरीद प्रकरणमे कमिशन मांगने तत्कालीन संचार मन्त्री गोकुल बासकोटाके राजीनामा देने भरमे उन्मुक्ति देव चाहि रहलासँ आन्दोलनमे उतरल महामन्त्री भट्टराई बताउने छलनि। नेपालक लेल नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा काठमाडौँ पहुँचल छथि। बीतल महिना जनवरी 30 भारतीय विदेश मन्त्रालय क्वात्राके नेपालक लेल राजदूत नियुक्त करबाक निर्णय कयने छल। तीन दशकसँ भारतीय विदेश सेवामे रहल क्वात्रासँग एहिसँ पहिने संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, चीन, फ्रान्स लगायतके देशमे काज कयने अनुभव अछि। एहिसँ हुनका अनुभवी आ चतुर कूटनीतिज्ञके रूपमे सेहो लेल जाइत अछि। शालीन कूटनीतिक छवि बनाउने पूर्व राजदूत मनजीव सिंह पुरीके अवकाश सँगै भारत क्वात्राके नेपालक लेल राजदूत नियुक्त कयलक अछि। क्वात्रा एहिसँ पहिने 2006 2010 धरि नेपाल स्थित सार्क सचिवालयमे व्यापार, अर्थव्यवस्था आ वित्त ब्यूरो प्रमुखके रूपमे प्रतिनिधित्व कयने छलथि। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल वर्तमान राजनीतिक अवस्था आ राज्य सञ्चालनके प्रणालीके बुझिकऽ जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार माध्यमके आग्रह कयलनि अछि। नेपाली पत्रकार सभक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाक स्थापना दिवसके अवसरमे काठमाडौँमे रवि दिन आयोजित कार्यक्रमके सम्बोधन करैत उप प्रधानमन्त्री पोखरेल बिना सत्ता परिवर्तनके व्यवस्था परिवर्तन भेलासँ परिवर्तित व्यवस्थाके बुझिकऽ भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चार माध्यमके ध्यान आकर्षण गराउन छलखिन। हुनुपर्छ, अडिट हुन्छ र त्यो अडिट भएको बेलामा त्यसलाई स्वाभाविक सहज ढङ्गले लिनुपर्छ र त्यो अडिटमा वास्तवमा बेरुजु निस्किनु हुँदैन, बेरुजु ननिस्कियोस्। मन्त्री पोखरेल संचार जगतकै आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सेहो आग्रह कयलनि। कार्यक्रममा पत्रकारिता क्षेत्रमा लम्बा समय कार्यरत पत्रकार सबके इन्जा सम्मानसँ सम्मानित कयल गेल छल। तेना कार्यक्रममे ब्लड क्यान्सरसँ पीडित पत्रकार कमल पौडेलके इलाज सहयोगार्थ हुनक पत्नी अम्बिका पौडेलके 14,11,244 रुपियाँ सहयोग हस्तान्तरण कयल गेल छल। नेपाल पत्रकार महासङ्घके अध्यक्ष गोविन्द आचार्य लोकतान्त्रिक सरकार भेलोपर प्रेस स्वतन्त्रताके प्रत्याभूति होब नै सकल बतौलने छ। नेपाली पत्रकार सभक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाक स्थापना दिवसके अवसरमे काठमाडौँमे रवि दिन आयोजित कार्यक्रममे अध्यक्ष आचार्य व्यवस्था परिवर्तन भेलोपर प्रेस स्वतन्त्रताके अवस्था सङ्कुचित होइत गेल बतौलनि। ओ लोकतान्त्रिक सरकार भेलोपर लिखबाक स्वतन्त्रताके लेल सञ्चारकर्मी सड़कमे अयबाक अवस्था सिर्जना होयब दुःखद भेल बतौने छलनि। राष्ट्रिय सेवा एउटा पत्रकारिता क्षेत्रलाई
एउटा राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिने भनेर हाम्रो आम सञ्चार नीतिले बोलेको छ त्यो कानुनी रूपमा अध्यक्ष आचार्य लोकतन्त्रको मुख्य आधार प्रेस स्वतन्त्रता भेलोपर सरकार सरकारवाला पक्षसँग एकको बेर परामर्श नेक मिडिया काउन्सिल सूचना प्रविधि संघकै विदेश विधेयक छ भन्ने उपराग व्यक्त गर्न छलन शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर अपन 100 दिनके उपलब्धि सार्वजनिक गरेत काठमाडौँ उपत्यकाक गन्दगी व्यवस्थापन पहिलो प्राथमिकतामा रहल बतौलने छ रवि दिन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन कक मन्त्री मानन्दर अपना 100 दिनमे कैने काज सभक प्रगति आ उपलब्धि सार्वजनिक कैलने छ ओ अघिल्का नयाँ वर्षसँगै उपत्यकाके फोहर व्यवस्थापनके लेल नुवाकोट आ धादिङके सिमानामे परवला बन्जरे डाँडामे निर्माण भ रहल ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनमे अनबाग तयारी भेल बतौलने छ तेना काठमाडौँ जिल्लामे निर्माण गर लागल 4 नयाँ सहर सभक डिपिआर के लिए काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण के आवश्यक व्यवस्थापन कर निर्देशन देने से बदौलने वो काठमाडौँ उपत्यका के बाहर जिला से घेरित नया चक्रपथ मार्ग के परिकल्पना कैल गेल आ विभिन्न 10 स्थान में नया शहर निर्माण करबाक विषय में परामर्श शुरू कने बतौलन काम शुरू फोर्मुला हो फोर्मुला मैं पहिलो प्राथमिकता में राखे इस कारण फोर्मुला को व्यवस्थापन कसरी कर सकता किनभने अहिले सदियौँदेखि चल्ने र सदियौँपछि पनि यो फोर्मुला चाहिँ समाधान नहुने यसको महत्त्वपूर्ण कुराले राखेर अहिले बन्सरी डाँडामा हुन लागेको जुन हामीले एउटा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइटको लागि चाहिँ कुरा गरेका छौँ त्यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै कसरी बनाउने भन्ने एउटा प्रोसेसिङमा चाहिँ बाहेक बाराके सिमरा उपमहानगरपालिकामा चक्रपथ निर्माण गर्बाक आ गोर्खाके मनोकामना जायवला सडक स्तर उन्नति गर लेल प्रयास कयल जेबाक ओ बतौलन तहिना अव्यवस्थित पार्किंग के व्यवस्थित करबाक ट्राफिक व्यवस्थापन के चुस्त आ सहज बनेबाक लगायत के काज के दावी समेत कैलन 5.3 अरब रुपया लगानी में 12 भवन सहित संसद भवन मंत्री निवास सभाहाल के निर्माण मुख्यमंत्री निवास निर्माण के काज तीव्रता देने से हो बतौलन तहिना चालू आर्थिक वर्ष के दोसर चौमासिक अवधि में 36.85 अरब बजेट में से 37% अर्थात 13.65 अरब रुपया खर्च कर सफल भेल ओ दावी समेत कैलने सरकार स्वदेशी वस्तु सभक निर्यात बढ़ेबाक विषय में केन्द्रित भेल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय जनौलक है नेपाल बंग्लादेश व्यापार प्रबंध आ कनेक्टिविटी संबंध में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय आ साबती नामक संस्था आयोजना के कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव बैकुंठ अड़ियाल व्यापार के संदर्भ में उठल बात सब ध्यान में राखिक कोना निर्यात करबाक विषय में मंत्रालय केन्द्रित भेल बतौलन ओ बंग्लादेश संग व्यापार के संभावना उच्च रहल आ बंग्लादेश से लगानी सेहो आवश्यक रहा सरकार दू देश बीच के कनेक्टिविटी में ध्यान देने बतौलन एहि के लेल सरकार प्रोडक्ट रूट आ मार्केटिंग के विषय में ध्यान देलक अछि एखन के रूट से जल मार्ग के सेहो कोनो प्रयोग कर सकबाक विषय में संभाव्यता के अध्ययन भ रहल सेहो बतौलन विद्युत व्यापार के लेल पीटीए करबाक संबंध में अंतरिम नै भेल पर एहिके ड्राफ्ट भ चुकल सचिव अरियाल धारणा रखने छलनि कार्यक्रम में बंग्लादेश के लिए नेपाली राजदूत बंशीधर मिश्र बंग्लादेश संग व्यापार वृद्धि करने लेल डेडिकेटेड कोरिडोर के विषय उठाओल गेल समेत धारणा रखने छलनि कार्यक्रम में नेपाल बंग्लादेश संग करबाक व्यापार सहज बनाब आ नेपाली वस्तु सब पर बंग्लादेश लगाउने ट्राफिक विषय में सेहो परामर्श भेल छल कार्यक्रम में नेपाल बंग्लादेश संग विद्युत व्यापार के लिए समझौता करनाई शुरुआत भेल आ अन्य नेपाली उत्पादन सबक निर्यात के संभावना के विषय में सेहो परामर्श भेल अछि महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसे पार्टी के इंचार्ज एवं प्रहरी निरीक्षक देवी प्रसाद पौडेल कार्यवाही में पड़ल अछि ओकरा भैंसे पार्टी प्रभाग के जिम्मेवारी से मुक्त कऽ महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर तानल गेल अछि किछु दिन पहिने नेपाली सेना के अवकाश प्राप्त सहायक रथी जनरल हेम खत्री के घर में कोरा में बच्चा लेने एकटा महिला पर निर्मम तरीका से प्रहरी निरीक्षक पौडेल लाठी प्रहार कने वीडियो सार्वजनिक भेल छल हेम खत्री अपन पति भेल दावी करैत माला शाह नाव रहल महिला किछ महिला तथा अधिकार कर्मी लक भैंसेपाटी स्थित खत्री के निवास में पहुँचल छल वर्षों से संबंध रहलो पर पछिलका समय खत्री व्यवस्था कने हुनक आरोप छलन ओहि क्रम में माला के लेल न्याय मांग खत्री के निवास पहुँचल हेमा श्रेष्ठ के प्रहरी निरीक्षक पौडेल लाठी प्रहार कने छल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी के प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्यामलाल गेवाली प्रहरी निरीक्षक पौडेल के कार्यवाही स्वरूप ललितपुर परिसर में बजौने पुष्टि कैलने पौडेल पर आओर अनुसंधान भ रहल अनुसंधान के निष्कर्ष बाद आगा के कार्यवाही हेबाक गेवाली जनौलक अछि आब इंटरनेशनल न्यूज चीन में देखल गेल नोवल कोरोना वायरस के कारण मृत्यु भेनिहार के संख्या 2979 पहुँच गेल अछि पछिलका तथ्यांक अनुसार विश्वभर में कोरोना वायरस से 86993 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल अछि कोविड 19 से चीन बाहर सबसे बेसी
ईरान में 43 गोटे के मृत्यु भेल छ, तेना इटली में 29, दक्षिण कोरिया में 17, जापान में 12, हांगकांग में 2, ताइवान में 1, फ्रांस में 1, फिलीपींस में 1, अमेरिका में 1, ऑस्ट्रेलिया में 1 गोटे के मृत्यु भेल छ। एहि बाहेक आओर 40 देश में सेहो कोरोना संक्रमित भेटल छ। चीन आ दक्षिण कोरिया से घुरल 2 गोटे नेपाली कोरोना वायरस के संक्रमण के आशंका में अस्पताल भर्ना कराओल गेल छ। हुनका सबके टेकू स्थित शहीद शुक्रराज ट्रॉपिकल तथा सर्वा रोग अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में राखल गेल छ। भर्ना भेल नेपाली मध्य एक गोटे चीन से आया, दोसर गोटे दक्षिण कोरिया से घुरल व्यक्ति भेल। प्रवक्ता अनूप बास्तोला बतौलन, दक्षिण कोरिया से घुरल व्यक्ति के आइसोलेशन वार्ड में राखल गेल छ। आइसोलेशन वार्ड में राखल गेल पहिल केस से प्रवक्ता बास्तोला कहलन, हुनका सबके कोरोना प्रभावित देश से आयल आ बुखार आयल कहत संपर्क में अला बाद आइसोलेशन में रहकर चेक जांच भ रहा है। प्रवक्ता वास्तोला के अनुसार अस्पताल में राखल गेल 2 गोटे पुरुष है, हुनका सबके विमानस्थल से शंका क अस्पताल पठाओल गेल छ। हुनका सबके अस्पताल विमानस्थल से नहीं पठाओल गेल छ, वो सब घरे में रहल समय बुखार अला बाद अस्पताल के संपर्क में आयल वास्तोला बतौलन। 2 महीना आगू चीन से शुरू भेल कोरोना वायरस एखन विश्व के 60 से बेसी देश में फैल चुकल है। दक्षिण कोरिया, ईरान आ इटली जेहन देश सब में समेत आदमी के मृत्यु भेला बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन उच्च सतर्कता अपनाब आह्वान कयने अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। थाईलैंड में जारी एससीसी ईस्टर्न रीजन T20 कप क्रिकेट के दोसर खेल में सेहो नेपाल पराजित भ गेल। बैंकॉक स्थित टेड थाई क्रिकेट मैदान में रवि दिन भेल खेल में हांगकांग संग नेपाल 43 रन से पराजित भेल। 155 रन के लक्ष्य पौने नेपाल निर्धारित 20 ओवर के खेल में 19 ओवर के पहल बॉल में सब विकेट के क्षति में 111 रन में समटा गेल छल। नेपाल के लिए ज्ञानेन्द्र मल सर्वाधिक 46 रन के योगदान दिलन। वही अतिरिक्त कुशल मल 19, अविनाश बोहरा 12 आ आरिफ शेख 10 रन के योगदान देने छल। इससे पहले शुरुआती बैटिंग के लिए हांगकांग निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के क्षति में 154 रन बनौने छल। हांगकांग के लेल निजाकत खान मोहम्मद सर्वाधिक 48 रन बनौने छल, तेना मोहम्मद अजीज खान 29, हारून मोहम्मद असरद 27, शाहिद वासिफ 26 रन के योगदान देने छल। बॉलिंग दिश नेपाल के लेल संदीप लामिछाने आ सुसन भारी 2 विकेट लेने छलन, तेना कुशल मल 1 विकेट लेने छल। जारी प्रतियोगिताक पहिल खेल में मलेशिया संग नेपाल 22 रन से पराजित भेल छल। भैरवा ग्लैडिएटर्स आसन्न एवरेस्ट प्रीमियर लीग क्रिकेट EPL लेल 3 विदेशी खिलाड़ी सार्वजनिक कैलक। चैत में पहल सप्ताह से TU क्रिकेट मैदान में होबय लागल 4M IPL 2020 के लेल भैरवा पत्रकार सम्मेलन कक 3 विदेशी खिलाड़ी के नाम सार्वजनिक कयने अछि। ई सीजन भैरवा श्रीलंका के ऑलराउंडर जीवन मेंडिस आ बमरेटिया बैट्समैन मिलिंदा श्रीबद्धनाल अनुबंधन के पत्रकार सम्मेलन में सार्वजनिक कैलक। तेना ओमान के माया हाते बॉलर बिलाल खान सेहो एहि सीजन में भैरवा से खेलबाक जीवन मेंडिस श्रीलंका के 58 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेलने अछि। मिलिंदा 27 खेल खेलने अछि। तहिना भैरवा ओमान के बिलाल खान के सेहो अनुबंधन के जनाओल गेल अछि। ओमानी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य बिलाल एखन नेपाल में भेल ICC विश्व क्रिकेट लीग 2 में नेपाल आ अमेरिका विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन कयने छल। भैरवा एहिसँ आगाँ वेस्ट इंडीज के डवान स्मिथ के अनुबंधन कयने छल। नेपाली राष्ट्रीय टोली के पूर्व प्रमुख प्रशिक्षक प्रबुद्धि दसनायक एहिबेर के EPL में भैरवाक प्रशिक्षण सम्हारत। 6 टोली में सँ भैरवा के शरत भेषवाकर सम्हारत। अंत में हेडलाइन से एक बार फेर सँ मिथिला मध्यमा परिक्रमाक टोली महतरी के कंचन वन पहुंचल। मंत्री भट्टराय प्रदेशक मंत्री भक्तजन आ साधु संत सहित सब संगे होली खेलन। प्रधानमंत्री होली की किडनी दोसर बेर प्रत्यारोपण के तैयारी, बुध दिन प्रत्यारोपण किया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड पर जूता प्रहार के प्रयास, जूता प्रहार करे वाला पकड़ायल। नेपालक लेल नवनियुक्त भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा काठमांडू पहुंचलन। आ कोरोना वायरस से मृतक के संख्या करीब 3,000 धरि पहुंचल। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में सेहो 1-1 गोटे के मृत्यु।
अपन न्यूज एखन के लिए एतबे पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब नमस्कार।